जी भाई कहाँ से आए हैं? मैं बेदिया रोड से आया हूँ। क्या नाम है आपका? एजाज मसीह मेरा नाम है। क्या गवाही आपकी? मेरी गवाही इस तरह की, जब ये फैसलाबाद फेस्टिवल लगा हुआ था तो उसमें सीनियर अनवर फजल पास्टर साहब दुआ कर रहे थे, तो जब दुआ की तो उन्होंने बोला कि जिसने जिसने अपना मौज रिसीव करना है तो करे। मैं लाइफ देख रहा था घर पे, तो जब उसने दुआ की तो मेरे घुटने में दर्द बहुत था, तो जब दुआ की तो मैंने ये टांग सीधे किया और बिल्कुल मेरी दर्द जाती रही। प्रेज हालेलुया। भाई आप बता रहे कि जब फैसलाबाद में प्रेयर फेस्टिवल हुआ, सीनियर पास्टर अनवर फजल लाइफ मीटिंग में दुआ कर रहे थे, आप बड़े ईमान से टीवी के सामने बैठे, आपके घुटने में बहुत शदीद दर्द थी, जैसे ही आपने ईमान से घुटने पे हाथ रख के दुआ की तो किसने आपको शिफा दी? खुदावंद यीशु मसीह ने। भाई अब आप बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल ठीक अभी मेरे घुटने। आपकी कोई दूसरी गवाही? दूसरी गवाही इस तरह की, आज मैंने मेरे कमर में दर्द हो रहा था बहुत, वो भी बहुत देर से था, तो जब पास्टर साहब दुआ कर रहे थे तो उस वक्त मेरा दर्द वो भी खत्म हो गया। आप बता रहे जब आप आए तो आप शदीद दर्द में थे, आपकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द थी, जैसे ही वेनसडे मीटिंग में शिफाई इबादत हुई आपने बड़े ईमान से अपनी कमर पे जब हाथ रखा तो किसने आपको शिफा दी? खुदावंद यीशु मसीह ने। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इन खूबसूरत गवाहियों के लिए कि खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में जलाली काम किया। खुदावंद का हाथ हमेशा आपकी ज़िंदगी पे इसी तरह बढ़ा रहे। गॉड ब्लेस यू। जी भाई कहाँ से आया? मैं मालीपुरे से आया हूँ। क्या नाम है आपका? सामन सिंह। क्या गवाही आपकी? भाजी मेरी गवाही ऐसा है कि मैं एक महीना पूरा हो गया सी, मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, पूरे 15 दिन मैं सुता नहीं गया, ना सुबह नू ना रात नू, ते दो बुध मैं इत्थे आया, तो शुक्र है खुदावंद दा, ते हुण मैं सोना भी हाँ, तो सरकारी जॉब करना, मैं अपनी जॉब भी कर रहा। प्रेज हालेलुया। भाई आप बता रहे कि 15 दिन से आप बहुत ज़्यादा बीमार थे, आप रात को भी नहीं सो सकते थे ना दिन को सो सकते थे, आपको भाई तकलीफ क्या थी? मैं पता ही नहीं सी लग रहा कि मेरा हो कि रहा, मैं अपनी रिपोर्टा भी करवाइया तो रिपोर्टा भी ठीक सी, मैं जिसम मेरा इन्ना ज़्यादा काम का सी, तो सीनियर पास्टर अनवर फजल को मैं इतों इबादत करवाई, तो हूँ शुक्र है खुदा का मेरा कोई हाथ नहीं काम का, तो मैं बिल्कुल फिट है। प्रेज हालेलुया। भाई आप बता रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रही थी कि आपको हुआ क्या, आपने अपनी सारी रिपोर्ट्स भी करवाई, वो भी सारी क्लियर आई, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फिर भी तकलीफ में थे, आप जैसे ही सीनियर पास्टर अनवर फजल के पास आए, आपने दुआ करवाई तो किसने आपको शिफा दी? यस्सू ने। किसने आपकी ज़िंदगी में जलाली काम? यस्सू ने। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर जी कहाँ से आई हैं? गुजरने वाले से। क्या नाम है आपका? फराह। क्या गवाही आपकी? मेरी गवाही ये है कि मैंने अपनी बहन का रिश्ता ढूंढा था, वो नहीं था मिला, अब मैंने पास्टर अनवर फजल से दुआ कराई थी, अब खुदावंद का शुक्र है कि रिश्ता मिल गया। कितने अरसा से आपकी बहन के रिश्ते में रुकावट थी? काफ़ी देर से थी। आप बता रही काफ़ी देर से आपकी बहन के रिश्ते में बहुत ज़्यादा रुकावट थी, जैसे सीनियर पास्टर अनवर फजल ने उसके लिए दुआ की तो किसने अच्छा रिश्ता मुहैया कर दिया? खुदावंद यीशु मसीह ने। प्रेज हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद ने आपकी बहन को बहुत अच्छा रिश्ता अता किया। गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर जी कहाँ से आई हैं? मैं अली पार्क से आई हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसरीन। क्या गवाही आपकी? मेरी गवाही ये है कि मैं ना पहले धर्मपुरे में रहती थी, तो अब हमें खुदा ने घर इधर दिया था अली पार्क में, तो मेरे बच्चे भी और मैं भी बड़ी खौफजदा सी, हमारा इधर दिल नहीं था लग रहा, तो अब मैं पिछले वेनसडे में आई थी इधर बुध मीटिंग पे, मेरा ईमान था कि मैं खुदा के पास जाऊंगी तो खुदा ही मुझे तसल्ली इत्मीनान देगा, तो जब से मैं इधर से प्रे करवा कर गई हूँ अब मेरे बच्चे भी थोड़े तसल्ली में और मैं भी खुदा का शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी और सेहत भी दी है, और खुदा ने मुझे इत्मीनान भी दे दिया, सुकून भी दे दिया कि मेरा घर। सिस्टर जी आप बता रही हैं कि आपने जब घर चेंज किया तो उस घर में आपका दिल नहीं लग रहा था, आपको खौफ आता था, बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन आप बड़े ईमान से वेनसडे मीटिंग में आई और खुदा के सामने झुकती रही, दुआ करती रही, और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान और तसल्ली को पैदा किया और जलाली काम किया। गॉड ब्लेस यू। जी सिस्टर जी कहाँ से आई हैं? खानवा। क्या नाम है आपका? शादा। क्या गवाही आप? आपके मेरी तरफ से सलाम सिस्टर निदा को, सीनियर पास्टर अनवर फजल को। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मेरे बचपन तो मेरे अखा च पानी वगदा सी, मेरा मान था खुदा मुझे शिफा देगा, मैं बुध मीटिंग में आती रही तो खुदा ने शिफा दे। सिस्टर आप बता रही बचपन ही से आपकी आंखों से पानी आता रहता था, आपने अपना कोई डॉक्टरी इलाज करवाया कभी? नहीं। आपका ईमान जिंदा खुदा पर था कि वो आपको शिफा देने की कुदरत रखता है, जब आप ईमान से यहाँ से दुआ करवा के गई तो किसने आपकी आंखों के सारे पानी को खुश कर दिया? यह सुबह। आपकी कोई दूसरी गवाही? दूसरी मेरी गवाही कुछ इस तरह है, मेरी सिस्टर को गिल्टी सी तो बुध मीटिंग में आती रही तो खुदा ने शिफा दे दी। मेरे अम्मी की गवाही कुछ इस तरह है कि लकोरिया था तो भी बुध मीटिंग में आती रही खुदा ने शिफा दे दी।
आप बता रही आपकी सिस्टर को भी गिल्टी, मामा के साथ भी कोई मसला था, लेकिन आप बता रही जैसी आप वेनसडे मीटिंग में आती रही, उनके लिए दुआ करवाती रही, तो खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी में भी जलाली काम किया। खुदावंद और ज़्यादा आपके साथ तो कसरत से आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करे। गॉड ब्लेस यू जी। सिस्टर जी कहाँ से आई आप? जी मैं LDS से आई हूँ। क्या नाम है आपका? नौरीन। क्या गवाही आपकी? मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि मेरी बहू का काफ़ी मसले रहते थे मियाँ बीवी में, तो मेरा बेटा उसको रखना नहीं चाहता था मेरी बहू को, मगर मेरी अपनी बेटी नहीं, मैंने उसे हमेशा से बेटी समझा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लेके आई उसको बड़े ईमान से दो दफ़ा, तो शुक्र है खुदावंद का मेरा बेटा यहाँ पे ही पीछे आ गया लेने के लिए उसको। और दूसरी मेरी गवाही इस तरह से है कि मेरा देवर और मेरे दोनों बेटे और मेरे हस्बैंड की लड़ाई किसी की हो रही थी हमारे गेट के सामने, तो वो दोनों चारों गए छुड़ाने के लिए, तो जो फायरिंग करने के लिए लड़का आया वो मुस्लिम था, और शुक्र है खुदावंद का कि उसने बहुत सारी फायरिंग की और मेरे बेटा भी सामने था, तो किसी को भी कोई फायर नहीं लगा उस, तो मेरे बेटे को थोड़ा सा सर पे कोई उसने वो मारा पिस्टल का, पता नहीं क्या कि उसका ब्लड निकला, और मैं डर गई कि शायद वो गोली लग गई मेरे बेटे को ना, ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो खुदावंद का शुक्र है मेरे बेटे का नाम दाऊद है, आज वो बिल्कुल सेहत सलामत है, तंदुरुस्त है, और खुदावंद का शुक्र है कि मैं यही दुआ कर रही थी कि खुदावंद मेरे बच्चे को कुछ ना हो, ना मेरे मियाँ को ना मेरे देवर को, तो खुदावंद के नाम को मैं सारा इज्जत और जलाल देती हूँ क्योंकि मैं हमेशा इधर आती हूँ, तो खुदावंद का शुक्र है कि मेरा आज घराना बिल्कुल महफूज है। सिस्टर जी आप बता रही कि आपके बेटे के और बहू के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते थे, आप बिल्कुल बेटियों की तरह अपनी बहू को प्यार करती हैं, आप बड़े ईमान से प्रेयर सेंटर में उसको लेके आई, दुआ करवाई, तो खुदावंद ने उसकी ज़िंदगी में जलाली काम किया है। और आप बता रही कि आपके घर के सामने कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा था जिसकी वजह से आपकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा उस लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व हो गई, और उनको भी मामूली सी आपके बेटे को चोट लगी, खुदावंद ने उनकी ज़िंदगी को महफूज रखा। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद अपने बंदों की हिफाजत निगे बानी करता है, जब हम खुदा के सामने झुकते हैं खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू जी। सिस्टर जी कहाँ से आई हैं? फैसल टाउन। क्या नाम है आपका? महानूर। क्या गवाही आपकी? मेरे पास औलाद नहीं थी, खुदावंद ने मुझे एक साल के बाद दिया बेटा। आप बता रही एक साल से आपके पास औलाद नहीं थी, तो आप बता रही जैसे आप यहाँ पे इबादत पे आई, आपने खुदा के खादमों से जब दुआ करवाई, तो किसने आपको खूबसूरत औलाद दी? आइजक टीम की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और खुदावंद और ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करें। आप फिर से आके अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू जी। भाई कहाँ से आए आप? हम सांदा से आए हैं। क्या नाम है आपका? इरफान मसीह। क्या गवाही आपकी? मेरी गवाही इस तरह है कि पहले सब टीम को, पूरी आइजक टीवी को और इटरनल लाइफ मिनिस्ट्री को मेरी तरफ से सलाम, और मेरी गवाही इस तरह है कि मैं चार बुध पहले ना इधर आया, और सिस्टर नीदा कह रही थी किन किन के पास घर नहीं है, और सब ने हाथ उठाया, मैंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन मेरे पास उस वक्त घर नहीं था, लेकिन मैंने इस ईमान से हाथ नहीं उठाया कि मेरे पास घर है, और उसी महीने में, इसी महीने में खुदावन ने मुझे अपना घर तमीर करने को दे दिया। प्रेज हालेलुया। भाई आप बता रहे हैं कि आप वेनसडे मीटिंग में आए थे और सिस्टर निदा जब दुआ कर रही थी तो उन्होंने कहा कि जिनके पास घर नहीं वो अपने हाथ को बुलंद करें, खुदावंद को दिखाएं, और आप बता रहे हैं आपने अपना हाथ भी नहीं उठाया, और आपने बड़े ईमान से अपने दिल में ये बात रखी खुदा के सामने, तो किसने आपको खूबसूरत घर मुहैया कर दिया? खुदा यीशु मसीह ने। आपका ईमान था कि जब आप खुदा से मांगेंगे तो वो आपको मुहैया करेगा? जी। आपकी कोई दूसरी गवाही? दूसरी गवाही मेरी इस तरह है कि मेरी पहले बैग जो थी वो ख़राब हो गई थी, इधर आता था बार बार, वो रास्ते में कभी चैन टूट गया, कभी ऐसे हो गया, और दो बुध के बाद ना मेरी नई बैग मुझे मिल गई। आप बता रहे हैं आपकी बाइक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, आप दुआ पर आते थे और आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, और आप बता रहे हैं कि आपने दुआ जब की और खुदावंद ने आपको नई मोटर बाइक अता की। जी। अब आप खुश हैं? हाँ जी, खुदावंद का शुक्र है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इन सारी गवाहियों के लिए। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू जी। सिस्टर जी कहाँ से आई हैं? मैं शदरा से। क्या नाम है आपका? सोनम। क्या गवाही आपकी? मेरी ज़िंदगी में खुदा ने ना ये करिश्मा किया था कि मुझे ना ट्विंस बेबी खुदा ने दिए थे, लेकिन बहुत मेरी ना इसमें मुश्किलें आ रही थी डिलीवरी में, तो मैंने पास्टर शोकत फजल से दुआ करवाई, तो मेरी ना डिलीवरी बहुत अच्छी और बहुत नॉर्मल मेरा केस हुआ है। प्रेज हालेलुया। सिस्टर जी आप बता रही कि आपकी डिलीवरी में बहुत ज़्यादा मसला था, जैसे ही आप पास्टर शोकत फजल के पास आई आपने दुआ करवाई, तो किसने सारे मसलों को हल कर दिया? ये सब आपने। आपकी कोई दूसरी गवाही? मेरी दूसरी गवाही मेरी अम्मी देंगी। मैं खुदावंद के नाम का शुक्र और इज़्ज़त और जलाल देती हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसले मसाइल थे, मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की थी, हमें 4 महीने गए हूँ घर से बाहर निकले हुए,
دھکے کھا رہے ہیں. دعا کرائی تو خداوند کا شکر ہے کہ ہوں ساری زندگی ٹھیک ہے. تو اِسی اپنے گھر جانا چاہتے ہیں کہ خداوند بڑی مہربانی ساڑے تے, میرے بچوں نے بھی زندگی دیتی ہے, میرے میاں نے بھی زندگی دیتی ہے, سر تو ہر مشکل حل کیتی ہے. خدا باپ کا شکر ادا کرنی ہے کہ جو بلام. ہاں جی, ہم ساری آئزک ٹی وی کی ٹیم آپ کے لیے دعا کریں گے, جو باقی کی مشکل ہے وہ بھی خداوند آپ کی زندگی سے دور کرے, اور آپ پھر سے آ کے اپنی گواہی کو ہمارے سے شیئر کریں. گاڈ بلیس یو.